हे गाइस, वेलकम टू ऑटो रिव्यूज। आज मैं आया हूँ मुकेश हुंडई पे, और इस शोरूम का जो डिटेल्स एंड फोन नंबर है वो आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रहा हूँ, वहाँ से जाके भी आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो आज हम आप लोगों को दिखाने आया है ये गाड़ी, दिस इज द 2023 Hyundai Exter, दिस इज द SX ऑप्शनल AMT वर्जन, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है। एंड आज हम लोग इस कार का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम है अनंग शलदर, आप देख रहे हो ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल, लेट्स गो। सो गाइज, हियर इज द कार, दिस इज द ऑल न्यू 2023 Hyundai Exter, एंड ये SX ऑप्शनल वेरिएंट है जो बेसिकली ऑटोमेटिक के साथ आता है। एंड आज हम लोग इस कार का एक रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस कार के प्राइसिंग की बात करूँ तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको लगभग शुरू होता है 6 लाख रुपये से अप टू 10.5 तक इसका एक्स शोरूम प्राइस जाता है अप्रॉक्सीमेटली। अब आप कौन से सिटी में रहते हो, ये आपके सिटी का ऑन रोड प्राइस क्या है वो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग बात करेंगे इस कार के डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब ओवरऑल जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा बॉक्सी सा डिज़ाइन इसमें दिया गया है, आप लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँगा इसके चाबी के बारे में, तो ये आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इसको रिमोट की मिलता है, दो रिमोट की यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपन करने का बटन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड चलिए अब फ्रंट की तरफ जाते हैं। फ्रंट में अगर आप लोग यहाँ पे हेडलैम्प्स की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का एक पूरा सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे हेडलैम्प्स के थोड़ा सा ऊपर, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एच शेप DRL देखने को मिलेगा, जो मुझे थोड़ा सा मतलब यूनिक लगा यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस कार के फ्रंट ग्रिल की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक्ड आउट ग्रिल देखने को मिलता है, ऊपर में आपको Exter की बैजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक Hyundai का लोगो देखने को मिलता है। एंड आप सभी लोग जानते हो कि Hyundai का जो लोगो है यहाँ पे आपको मतलब जो लोगो का जो साइज़ है वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हो गया। एंड थोड़ा सा अगर आप लोग नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको हेडलाइट टोइंग हुक देखने को मिलेगा, एंड साथ में यहाँ पे आपको फ्रंट बम्पर वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे बॉनेट एरिया की तरफ देखेंगे, तो बॉनेट एरिया में आपको कैरेक्टर लाइंस देखने को मिलता है कुछ, और उसके साथ अगर आप लोग फ्रंट विंडशील्ड की तरफ देखेंगे, तो फ्रंट विंडशील्ड में यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग इस कार के साइड प्रोफाइल की तरफ देखेंगे, तो साइड से आप लोग देख सकते हो कि एक सेकेंड मैं आपको साइड से पूरा वाइड में दिखा देता हूँ। तो ये है इसका साइड प्रोफाइल, आप लोग देख सकते हो कि साइड से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बॉक्सी सा डिज़ाइन साइड से भी लग रहा है फॉर श्योर। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग बात करेंगे यहाँ पे कलर ऑप्शन के बारे में, तो कलर ऑप्शन आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये कार कौन कौन से कलर में अवेलेबल है। एंड उसके बाद अगर आप लोग बात करेंगे इस कार के डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। साइड प्रोफाइल के अगर आप लोग एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को न्यू अलॉय व्हील इंट्रोड्यूस किया गया है, यहाँ पे आपको GK का टायर देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे जो व्हील आर्च है, यहाँ पे भी व्हील आर्च जो है काफ़ी ज़्यादा बिग साइज का व्हील आर्च दिया गया है। यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑटो की बैजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का VRBM विथ टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे डोर हैंडल्स की तरफ देखेंगे, तो डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर पे मिलता है विथ रिक्वेस्ट सेंसर, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग विंडो बेडलाइन की तरफ देखेंगे, तो विंडो बेडलाइन एंड जो पिलर, ये दोनों ही आपको मैट ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, ऊपर में आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको जो स्टाइलिंग या डिज़ाइन में यहाँ पे आपको एक न्यू सा एलिमेंट दिया गया, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेन नहीं है, थोड़ा सा मतलब डिज़ाइनिश यहाँ पे हुआ है। और रियर टायर की तरफ देखेंगे, तो रियर टायर भी आपको JK का टायर देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी आपको अलावल न्यू अलावल डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके साथ रियर डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों आप इसके रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे, तो रियर प्रोफाइल भी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक बॉक्स का डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ऊपर में देखेंगे तो शार्क पिन एंटेना देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर, साथ में आपको रियर वाइपर, यहाँ पे रूफ एंड स्पॉइलर अलोंग विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला जो मतलब डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे भी कुछ हद तक देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे टेल लाइट्स की तरफ देखेंगे, तो टेल लाइट्स भी आपको एच शेप टेल लाइट्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो इंडिकेटर्स वगैरह वो आपको नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको Exter की बैजिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो वेरिएंट का बैजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे सेंटर पे आपको Hyundai का एक लोगो देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे देखेंगे, तो नीचे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह ये सब देखने को मिलता है, साथ में आपको रियर बम्पर वगैरह भी देखने को मिलता है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे
थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी का रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाए। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे इस कार का बूट स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलगेट देखने को मिलता है, ये आप लोग देख सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे बूट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक स्पेस देखने को मिलता है। आपका दो मिड साइज का सूटकेस यहाँ पे आराम से फिट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे आपको और कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। टूल किट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लाइट दिया गया जो आपका हैलोजन में मिलता है, ये आपको अंधेरे के टाइम में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। एंड ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बूट में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अब चलेंगे इस कार के अंदर। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग दरवाजे की तरफ देखेंगे तो दरवाज़ा आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इनसाइड डोर हैंडल की बात करेंगे तो यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको चारों कोऑर्डिनेट्स का कंट्रोल, यहाँ पे आपको इस कार को लॉक एंड अनलॉक करने का कंट्रोल, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का कंट्रोल देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस जहाँ पे बेसिकली कॉइंस वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है आप लोग देख सकते हो। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिलता है जहाँ पे आप एक एक लीटर की बॉटल्स आराम से बैठा के ले जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेफ्ट साइड पे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एसी वेंट दिया गया, यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन एंड थोड़ा सा नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का स्विच, यहाँ पे आपको कैमरा के लिए एक स्विच दिया गया है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिलता है। टॉकिंग अबाउट द सीट्स की बात करेंगे तो सीट्स आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। हेडरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अनफॉर्चुनेटली फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलता है, इसे आप लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हो। एंड उसके बाद अगर आप लोग सीटिंग कंफर्ट की बात करें, सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सीटिंग कंफर्ट, मतलब ठीक ठाक ही सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे दिया गया, मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। यहाँ पे साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा सा देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैनुअल एडजस्टमेंट इन दोनों फ्रंट, मतलब कि ड्राइवर एंड को पैसेंजर, इन दोनों सीट्स पे आपको मैनुअल एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो लेदर आप स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। एंड उसके बाद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स देखने को मिलता है, राइट साइड पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स दिया गया क्योंकि ये AMT वर्जन है, आप लोग जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। लेफ्ट साइड पे आपको वाइपर का कंट्रोल देखने को मिलता है, राइट साइड को हेडलाइट एंड पासिंग लाइट, ये दोनों का कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे और क्या क्या देखने को मिलता है वो हम लोग गाड़ी के अंदर जाके आपको बताएंगे। तो ये हम आगे इस कार के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग बात करेंगे इस कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग देख सकते हो कि फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहां पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर एंड उसके साथ यहाँ पे आपको आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा, डिजिटल फ्यूल गॉज एंड टेम्परेचर इंडिकेशन, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है नीचे। एंड उसके बाद अगर आप लोग और अगर आप लोग ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको करेंट ट्रिप मीटर दिखाता है, साथ में आपको सिंस रिफ्यूलिंग मिलता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर भी यहाँ पे दिया गया और साथ में आपको सिंस लास्ट रिसेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और उसके साथ यही था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दिया गया। एंड उसके साथ ही साथ जैसे ही आप लोग इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ देखेंगे तो ये वही इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो आपको ह्यूंडई के हर एक गाड़ी में देखने को मिलता है, मतलब ये प्रीमियम से इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड और एप्पल कार प्ले। तो यहाँ पे अगर आप लोग टच रिस्पांस की बात करें, टच रिस्पांस यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा टच रिस्पांस दिया गया, साथ में आपको मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट, वैलेट मोड सेटिंग, ये सब कुछ देखने को मिलता है, साथ में रेडियो, मीडिया, क्वाइट मोड, ब्लू लिंक का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया और साथ में मैनुअल मिलता है। सेटिंग की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो सेटिंग में यहाँ पे आपको व्हीकल, नेविगेशन, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, यूजर प्रोफाइल, वॉइस रिकॉग्निशन, लेआउट, डिस्प्ले, ये सब कुछ देखने को मिलता है और उसके साथ बटन, ब्लू लिंक जनरल, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे होम स्क्रीन की तरफ देखते हो तो एक सेकेंड होम स्क्रीन आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करेंगे तो कैमरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस कार का जो कैमरा का जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा सा डिस्प्ले दिया गया है और उसके साथ यहाँ पे कैमरा का स्क्रीन काफ़ी अच्छा है। एंड साथ में आप कैमरा का एंगल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ये आपका साइड मतलब कि जो रियर कैमरा का जो मतलब ऊपर वाला पार्ट है एंड ये आपका पूरा वाइड एंगल व्यू यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब कैमरा को कर देते हैं बंद एंड साथ में
यहाँ पे टचस्क्रीन में आपको टचस्क्रीन रिलेटेड कुछ कंट्रोल देखने को मिलता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली। और उसके साथ यहाँ पे आपको दो डायल दिया गया, बेसिकली ये वाला ट्यून चेंज करने के लिए एंड ये वाला आपको वॉल्यूम को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए है। थोड़ा सा अंडरनीथ की तरफ देखेंगे तो दो AC वेंट, यहाँ पे बीच में आपको हैजल लाइट का कंट्रोल, और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस कार का एयरकंड सिस्टम देखने को मिलता है। इस कार में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, ये आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे इस डायल से आप ब्लोअर स्पीड का एडजस्ट कर सकते हो, इस डायल से आप लोग टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हो, एंड साथ में यहाँ पे आपको AC रिलेटेड कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाता है, ये इसका स्क्रीन। एंड थोड़ा सा और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को, सॉरी यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे भी आपको सी टाइप पोर्ट और यहाँ पे भी आपको एक USB पोर्ट, एंड थोड़ा सा नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। और थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 5-speed AMT गियर बॉक्स का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव तीनों मोड मिलता है। उसके साथ यहाँ पे आपको एक मैनुअल मोड पे दिया गया है, मतलब कि अगर आप लोग चाहते हो इस गाड़ी को मैनुअल मोड पे भी चला सकते हो। थोड़ा सा पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है, यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुटवेल लैम्प भी ऑफर किया गया, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेगमेंट फीचर जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस गाड़ी में दिया गया, मतलब कि इस सेगमेंट के कोई भी गाड़ी में, मतलब ये जो गाड़ी ये डायरेक्टली कम्पीट करती है टाटा पंच एंड द सिट्रोन C3 के साथ, लेकिन उन दोनों में भी ये फीचर नहीं है, वो कि इसमें आपको AMT गियर बॉक्स विद पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो इस सेगमेंट के कोई भी गाड़ी में आपको अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड उसके साथ अगर आप लोग यहाँ पे ग्लव बॉक्स की तरफ देखेंगे तो ग्लव बॉक्स का स्पेस भी काफ़ी अच्छा सा स्पेस यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, और उसके साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। इंटीरियर के ओवरऑल टच एंड फील और मटेरियल की बात करेंगे तो टच एंड फील और मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कोई भी कंप्लेन नहीं है। ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको एक SOS का बटन भी देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड एक सेफ्टी फीचर है। यहाँ पे आपको डैश कैम भी देखने को मिलता है, जो Hyundai का, मतलब ये एक हाइप हुआ था, हाइप नहीं मतलब इस गाड़ी में ऐसा कुछ फीचर आने वाला है, ये बहुत पहले ही Hyundai ने क्या बोलते हैं उसको रिवील कर दिया था कि इस गाड़ी में ऐसा कुछ एक फीचर, तो ये इसका डैश कैम आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ का कंट्रोल मिलता है, जी दोस्तों इस कार में आपको सनरूफ भी देखने को मिलता है, मतलब माइक्रो SUV में सनरूफ अभी तक किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था, लेकिन Hyundai ने फाइनली इस माइक्रो SUV सेगमेंट पर सनरूफ लेकर आ गया, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पे आपको कैबिन लैम्प देखने को मिलेगा। सनवाइजर की बात करेंगे तो जो पैसेंजर सनवाइजर है वहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको और कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो फ्रंट में जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, अब चलते हैं इस कार के रियर सीट की तरफ, एंड रियर सीट पे जाके मैं आपको बोलूँगा कि रियर पैसेंजर्स के लिए कितनी ज़्यादा स्पेस, क्या कंफर्ट एंड क्या फीचर्स वहाँ पे ऑफर किया गया है, लेट्स गो। सो गाइस अभी हम लोग जाएंगे इस कार के रियर सीट की तरफ। रियर सीट पे जाने से पहले अगर आप लोग रियर डोर की तरफ देखेंगे तो एज ऑलवेज आप लोग देख सकते हो रियर डोर भी आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पावर विंडो का कंट्रोल, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो बॉटल होल्डर एंड लेफ्ट साइड पे स्पीकर देखने को मिलता है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग रियर सीट्स की बात करेंगे तो रियर सीट्स जो है यहाँ पे आपको हेडरेस्ट की बात करेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है, दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सीट्स कम्फर्ट की बात करें, सीट्स कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, एंड यहाँ पे आपको सेंटर पे कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर मैं रियर सीट पे बैठ के आप लोगों को बताऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देख सकते हो कि इसका जो नी रूम है ये काफ़ी अच्छा सा नी रूम स्पेस यहाँ पे मुझे मिल गया, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलता है। लॉन्ग ट्रिप पे अगर मैं जाऊँगा इस गाड़ी में बैठ कर तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगर मेरी हाइट 5'7" है, लेकिन अगर कोई 6 feet का बंदा भी बैठता है तो उसको भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सेंटर पे देखेंगे तो सेंटर पे आपको दो AC वेंट, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको एक 12V का चार्जिंग सॉकेट, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प मिलता है, जो बेसिकली हैलोजन में दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, दोनों साइड पे यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है। सो गाइस रियर सीट पे जो जो था मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब अगर आप लोग इस कार के हेडरूम की बात करेंगे तो हेडरूम यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा सा हेडरूम स्पेस यहाँ पे मुझे मिल गया, मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड
अब हम लोग चलेंगे इस कार के बाहर। सो गाइज दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें जरूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसा लगा, और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव से मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।